अब ये मन कैसे नियंत्रण में आता है? कथा सुनने से, भागवत पढ़ने से। इसका और कोई उपाय नहीं। आप मेडिकल साइंस में कितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, बोले कि मैं करोड़ों रुपए दूंगा, मुझे कोई ऐसा दवाई दे दो जिससे मेरा मन नियंत्रण हो जाए, कुछ है ही नहीं उनके पास, कुछ नहीं दे सकते। वो शरीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन के लिए उनके पास कुछ उपाय नहीं है। जब तक व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं आता है, उसका मन नियंत्रण में कभी हो ही नहीं सकता। और अविचलित मन का व्यक्ति चाहे शरीर से कितना भी रिष्ट पुष्ट क्यों ना हो, वो हमेशा दुखी ही रहेगा, वो हमेशा अशांत रहेगा। और अगर मन नियंत्रण में है, मन मजबूत है, तो शरीर से वो कितना भी दुखी हो, फिर भी वो दुखी नहीं होता है। हमने कितने ऐसे लोगों को, हमारे भक्त हैं कई सारे, अच्छे अच्छे भक्त हैं, उन्हें कैंसर हो गया, कुछ दिन बाद मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुख पर एकदम प्रसन्न चित्त मन से भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि पूरी और निष्ठा विश्वास के साथ उन्हें पता है कि मृत्यु के बाद वो कुत्ते बिल्लियों का जीवन नहीं लेने वाले। मैं भक्ति कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, इसलिए मृत्यु के बाद मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। लेकिन कौन व्यक्ति मृत्यु में भयभीत हो जाता है? जिसने जीवन भर पाप किया है, कभी साधना नहीं किया, उसे पता है मैंने जो इतना पाप किया है उसका तो फल भोगना पड़ेगा, मृत्यु के बाद में अधोगति को प्राप्त करूंगा। जब श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य पूरे विश्व में भ्रमण कर 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 भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे थे, 4 घंटा सोते थे और 80 वॉल्यूम से भी ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी, 5000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए सिर्फ 10 साल, 108 से भी ज्यादा मंदिरें बनाए, कई सारे कार्य किए उन्होंने और बहुत व्यस्त रहते थे। तो फिर रिपोर्टर्स लोग उनके पास आए उनसे पूछने के लिए कि स्वामी जी इतना आप हरे कृष्णा 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 कर रहे हो, मान लीजिए जीवन के अंत में पता चले कि कृष्ण बोल के कोई है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद पूरी गंभीरता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने जवाब दिया, फिर भी हमें कोई अफसोस नहीं होगा कि हमने जीवन बहुत दुख के साथ बिताया, हमने अपना जीवन पूरे सुख और शांति से बिताया। देखो मैं कैसे शिष्यों से घिरा हुआ हूँ जो मेरे एक इशारे पे अपना जीवन समर्पित कर दिया है। देखो हमारा दिन कैसे स्टार्ट होता है हरिनाम संकीर्तन में नाचते नाचते, सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के हम भगवान के सामने कीर्तन में डांस करते हैं। कौन व्यक्ति नाचता है जो मन से बहुत खुश है? सुबह सुबह 4 बजे उठ के कौन नाचेगा बताइए? जो बहुत खुश है तभी तो नाचता है। तो हमारा जीवन अच्छे अच्छे पकवान खाने में, नाचने में, गाने में, कथा में, कीर्तन में सुख और शांति से बीता, मुझे कोई अफसोस नहीं होगी अगर जीवन के अंत में पता भी चले कि भगवान ने, क्योंकि हमने अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताया। लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे, उन्होंने रिपोर्टर से पूछा, जीवन के अंत में अगर आपको पता चले कि भगवान कृष्ण होते हैं और है, तो आप क्या करोगे? तो रिपोर्टर बड़ी बड़ी आंखों और खुले मुंह के साथ कोई जवाब नहीं उसके। अब कुछ कर सकता है वो? वापस जाके जिंदगी तो नहीं चालू कर सकता, तो पाप कर्म किए आप तो भुगतना पड़ेगा उसे। नहीं बोल सकता अच्छा अच्छा इस बार छोड़ दो, मुझे पता नहीं था, अब मैं अपना जीवन अच्छे से बिताऊंगा, ये तो नहीं हो सकता। कोई मुजरिम हो, किसी का खून कर दिया, उसे फांसी की सजा सुनाई जा रही हो, वो जज को बोले मुझे पता नहीं तो फांसी मिलेगा, अच्छा एक काम करो इस बार छोड़ दो और मैं किसी का खून नहीं करूंगा, छोड़ देगा जज उसे?